मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा, और इसीलिए सारे जहां से अच्छा है हिंदुस्तान हमारा। लेकिन इस हिंदुस्तान में अक्सर किसी घटना को मजहबी रंग दे दिया जाता है और फिर नफरत के शोले भड़काए जाते हैं। एक वीडियो इंसान को सांप्रदायिक बना देता है, इसीलिए सोशल मीडिया पर अफवाह भरे वीडियो और पोस्ट के दौर में जरूरत कुछ संयम और बहुत सी समझदारी की है। गाजियाबाद में एक बुजुर्ग शख्स की पिटाई के वीडियो पर अफवाहों का ऐसा रंग चढ़ा है कि उसमें लखनऊ से लेकर दिल्ली तक सियासत गर्मा चुकी है। आज सबसे ज्यादा 31% लोग गाजियाबाद में बुजुर्ग शख्स के पिटाई कांड में पर्दे के पीछे की असली कहानी को जानना चाहते हैं, जो हम लेकर आए हैं। 25% लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या वैक्सीन लगवाना जान बचाने की गारंटी है, और 19% लोग ये जानना चाहते हैं कि कैसे गाजियाबाद वीडियो कांड के बाद अब ट्विटर भारतीय कानून के नीचे आ चुका है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं गाजियाबाद के उस वायरल वीडियो की पूरी स्टोरी, जिसको लेकर पुलिस भी एक्शन में है और राजनीति भी फुल फॉर्म में हो रही है। एबीपी न्यूज ने पुलिस से भी बात की है और पीड़ित के परिवार से भी, क्योंकि पीड़ित का परिवार अब ये कह रहा है कि पुलिस का वर्जन गलत है। हमारी टीम सच्चाई को जानने के लिए बुलंदशहर में पीड़ित के परिवार के पास गई, उनके घर गई और गाजियाबाद में ग्राउंड जीरो पर भी गई, जहां पर यह मारपीट की घटना कथित तौर पर घटी थी। सच्चाई को जानना हमारा फर्ज भी है और कर्तव्य भी है। उसी कोशिश में मेरे दो संवाददाता गाजियाबाद में थे मनोज वर्मा, और बुलंदशहर पहुंचे थे अभिषेक रावत। इन दोनों रिपोर्टर्स की ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए अगले कुछ मिनटों तक, और आपको समझ में आ जाएगा दरअसल गाजियाबाद की पिटाई के पीछे की असली कहानी क्या है। जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल नहीं है, बहुत कुछ छुपाया और भड़काया जा रहा है। ये ताबीज देने का कुछ काम भी करते हैं, ताबीज बनाने का। हमारे पुश्तैनी काम लोहार बड़ई का है, लोहे का और लकड़ी का दोनों ही काम होते हैं हमारे यहाँ पे। ये घटना किसी धार्मिक कारण से होना कतई नहीं पाया गया है। पूर्व से अच्छा परिचय था तो FIR में अज्ञात नाम लिखाया गया। बेबुनियाद है, पुलिस की मनगढ़ंत कहानी है ये। इस एंगल में, इस रिपोर्ट में दूसरा एंगल दिया जा रहा है। गाजियाबाद वीडियो कांड में पुलिस का बयान, ताबीज बेचने के झगड़े में हुई बुजुर्ग की पिटाई, और ये एक ताबीज को लेकर के जो एक पक्ष है उसके दिमाग में इनके प्रति नाराजगी का भाव था कि इन्होंने जो तावीज़ बना करके दिया वो इनके किसी विपक्षी से मिल करके कुछ ऐसा तावीज़ दिया जिससे उनको जो अपेक्षित फ़ायदा था वो नहीं हुआ, नुकसान हुआ। उसके चलते जो मुख्य एक्यूज्ड है उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर के ये घटना कारित करी। पीड़ित के बेटे का ABP न्यूज़ के सामने बड़ा खुलासा, मेरे पिता नहीं बेचते थे कोई तावीज़। हमारा काम लोहार बड़ी का काम है, हम सैफी ब्रदरन से बिलोंग करते हैं। हमारे पुश्तैनी काम लोहार बड़ई का है, लोहे का और लकड़ी का दोनों ही काम होते हैं हमारे यहाँ पर। कभी कोई ताबीज वगैरह भी कोई ये बेबुनियाद इल्जाम है, सरासर झूठ है इसमें। वैसे तो ये वीडियो मारपीट की एक 10 दिन पुरानी घटना का है, लेकिन जो आरोप पीड़ित ने लगाए हैं वो बेहद संगीन है। आरोपों में हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत का रंग है, लेकिन दूसरी तरफ पुलिस की कहानी पीड़ित की कहानी से बिल्कुल अलग है, यानी एक ही घटना के दो अलग अलग पहलू हैं। ABP न्यूज पर हम आपको दोनों पहलू दिखाएंगे, लेकिन पहले आपको ये वीडियो दिखा दें। इस वीडियो में कुछ लोग एक बुजुर्ग की पिटाई करते नजर आ रहे हैं। बुजुर्ग चीख रहा है, चिल्ला रहा है, लेकिन पिटाई करने वालों को दया नहीं आ रही। जिन बुजुर्ग ने पिटाई का आरोप लगाया है उनका नाम है अब्दुल समद। घटना 5 जून को गाजियाबाद के लोनी इलाके में हुई। अब हम आपको बताते हैं कि अब्दुल समद ने क्या आरोप लगाए हैं और पुलिस ने अपनी जांच में क्या पाया।
बुजुर्ग ने आरोप लगाया है कि उसे अगवा कर सुनसान इलाके के एक घर में बंद कर मारपीट की गई, जबकि पुलिस का कहना है कि बुजुर्ग खुद ही परवेश गुर्जर नाम के एक शख्स के घर गए थे। अब्दुल समद का आरोप है कि वो मारपीट करने वालों को नहीं जानते थे, जबकि पुलिस का दावा है कि मारपीट करने वाले परवेश और उसके घर पर मौजूद चारों लोगों को समद पहले से जानते थे। अब्दुल समद ने FIR में कहा है कि उन्हें नहीं मालूम कि उनके साथ पिटाई क्यों की गई, जबकि पुलिस का कहना है कि समद ताबीज बनाने का काम करते हैं और उन्होंने परवेश को जो ताबीज दिया उसके उल्टे असर के चलते वो नाराज था और यही पिटाई की वजह बनी। अब्दुल समद का आरोप है कि पिटाई के बाद उनकी दाढ़ी काटी गई, उन्हें पाकिस्तानी जासूस कहा गया और उनसे जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे लगाने को कहा गया, जबकि पुलिस इन बातों से इनकार कर रही है और FIR में भी पीड़ित ने इन दोनों बातों का जिक्र नहीं किया है। ये बात सोचने वाली है कि जब पूर्व से अच्छा परिचय था तो FIR में अज्ञात नाम लिखाया गया और जो बताया गया कि जंगल में ले जाया गया, तो जंगल ने ये जो जहां मारपीट हुई है ये कॉलोनी के बस्ती के बीच की एक जगह मकान है, इसके चारों तरफ मकान है, तो सीक्वेंस भी गलत उसमें कोटेड है। पुलिस ने इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन पुलिस की कार्रवाई से पीड़ित बुजुर्ग का परिवार संतुष्ट नहीं है। अब्दुल समद के बेटे का कहना है कि पुलिस की कहानी गलत है, बेबुनियाद है, पुलिस की मनगढ़ंत कहानी है ये। जब कोई आदमी फंसता है तो कुछ ना कुछ तो अपने बचाव के लिए सोचता है, इसमें इस एंगल में, इस रिपोर्ट में दूसरा एंगल दिया जा रहा है, इस केस को दूसरी तरफ मोड़ा जा रहा है। अब्दुल समद ने पुलिस में जो FIR दर्ज करवाई है उसमें अज्ञात लोगों के खिलाफ शिकायत है। बुजुर्ग के आरोपियों को पहले से जानने की बात पर परिवार इनकार कर रहा है। उनमें से किसी को हम नहीं जानते, ना ही हमारा कोई परिचय है उनसे। ये तो जो क्या है क्या नहीं है, किस बुनियाद पर उठाया गया, किस बुनियाद पर मारा गया, क्यों उनकी दाढ़ी काटी गई, ये कुछ नहीं जानते हम। पीड़ित अब्दुल समद फिलहाल अलीगढ़ में अपना इलाज करा रहे हैं, पुलिस जल्द ही उनसे भी पूछताछ करेगी। दरअसल सिक्के के दो पहलू हैं। गाजियाबाद पिटाई कांड में जो वीडियो वायरल हो रहा है उसकी दो थ्योरी हैं और हमने आपको वो दोनों दिखाई, एक पुलिस की थ्योरी है और दूसरी पीड़ित परिवार की थ्योरी है। लेकिन इन दोनों पहलुओं से कुछ अहम सवाल उठते हैं दोनों पक्षों के लिए। पहला सवाल ये कि अगर पुलिस की थ्योरी सही है कि बुजुर्ग की पिटाई ताबीज की वजह से हुई तो बुजुर्ग ने इस पर झूठ क्यों बोला था। सवाल नंबर दो, बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल क्यों किया गया, क्या इसके पीछे मकसद था। और सवाल नंबर तीन कि क्या वीडियो को वायरल करना नफरत फैलाने की साजिश थी या फिर पुलिस अपनी नाक और साख को बचा रही है। सच की पड़ताल के लिए ABP न्यूज की टीम मौकाए वारदात पर पहुंची, सच के हर पहलू की पड़ताल की, क्योंकि सच सामने लाना बेहद जरूरी है, हम अपना दायित्व समझते हैं। 5 जून की घटना है, आखिर उस दिन हुआ क्या था, इसकी जांच के लिए देखिए गाजियाबाद के लोनी में बंथला गांव से मेरे सहयोगी मनोज वर्मा की यह रिपोर्ट। शटर पर लिखा गोली प्रधान, घर के बाहर लगा ताला, खामोश पड़ी यही इमारत देश के सबसे बड़े विवाद का केंद्र बनी है, जहां पहुंचे ABP न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा। सोशल मीडिया पर बुजुर्ग की पिटाई का जो वीडियो वायरल हो रहा है आपको बताना चाहेंगे। दरअसल वो वीडियो लोनी के बंथला गांव के इसी इलाके का वीडियो है, उस इसी जगह का वो वीडियो है। इस वक्त हम जिस घर के बाहर मौजूद हैं, ये जो घर है वो मुख्य आरोपी परवेश गुजर का घर है। इस वक्त घर के अंदर फिलहाल कोई मौजूद नहीं है। पिटाई के आरोप में प्रवेश जेल पहुंच चुका है, लेकिन इलाके में रहने वाली उसकी मौसी बता रही है तांत्रिक मौलाना अब्दुल समद इलाके के लिए नया नहीं था। फूलमती का दावा है कि तांत्रिक मौलाना 3 महीने से प्रवेश के घर आ रहा था। 3 महीना था जा रहा मौलाना जी, ठीक है। इसके दिक्कत हो रही थी घर में, कोई परेशानी चल रही थी, तो इंतजार से इन्हें कही कि भाई मेरे घर में कोई दिक्कत चल रही है, ठीक है। तो वह इंतजार ने कही ठीक है मैं बुला दूंगा, उसने बुला दिया। तो पहली बार आया जब थोड़ी पर्ची वर्ची देगा, दूसरी बार आया तो इन्हें इतनी पर्ची देगा पीली जो घोड़ के गले में तबीज पहन लो और घर में मंदिर में गेटन में सब में पर्ची लगा दो। प्रवेश का परिवार मानता था कि मौलाना के तंत्र मंत्र ने उन्हें नुकसान पहुंचाया है, इसी वजह से 5 जून को पिटाई की गई। फिर उसकी बहू का 6 महीना का बच्चा पेट में, पीते ही बच्चा पेट में खत्म होगा,
20 एक दिन हो गए, इस वजह से उसके कुछ गर्माहट सा होगा, 600 छुटका। जब ये तीसरी बार आया तो स्कूटी पे इंतजार के 11:30 आया, इन मई उल्लान मई, जिससे इसकी दोस्ती उसके साथ आया तो यही गली में उसने एक दो चाटा उसको मार दिया। पुलिस के पास आरोपियों और अब्दुल समद की बातचीत का पहले का रिकॉर्ड भी मौजूद है। पीड़ित अब्दुल समद के लिए ये जगह नई नहीं थी, न ही पिटाई करने वाले अपरिचित थे। ऐसे में पुलिस के सामने सवाल है कि पीड़ित ने ऑटो में किडनैप की बात क्यों कही। पुलिस को शक है कोई खुद को फंसता देख अब्दुल समद गायब हो चुका है। मामले की अहम कड़ी इंतजार भी पुलिस से दूर भाग रहा है। उधर लोनी बॉर्डर पुलिस इस मामले में अब समाजवादी पार्टी के लोकल नेता उमेद पहलवान के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज करने की तैयारी में है। ये वही उमेद पहलवान है जिसने 7 जून को पीड़ित बुजुर्ग को बगल में बैठाकर फेसबुक लाइव किया था। इसी लोकल नेता के कहने पर इंतजार ने आरोपी प्रवेश गुर्जर के खिलाफ जबरन उगाही की FIR दर्ज करवाई थी। इंतजार की तलाश पुलिस वीडियो को वायरल करने के आरोप में भी कर रही है। गाजियाबाद से संवाददाता मनोज वर्मा की रिपोर्ट। अब कुछ और बातें साफ करें तब आपको पूरा मामला समझ में आएगा। एक FIR तो अब्दुल समद जो बुजुर्ग थे उनके कहने पर हुई अज्ञात लोगों के खिलाफ, जिसमें कुछ लड़कों की गिरफ्तारी भी की गाजियाबाद पुलिस ने, उसमें हिंदू लड़के भी थे मुसलमान लड़के भी थे। लेकिन अब एक और FIR गाजियाबाद पुलिस ने 24 घंटे पहले यानी कल शाम को दर्ज की है। अब आप ये जान लीजिए कि इस वायरल वीडियो मामले में किन किन के खिलाफ अब गाजियाबाद पुलिस ने एक और नई FIR दर्ज की है, क्योंकि ये तमाम लोग समाज के सम्मानित लोग हैं। पहला नाम आता है इस जिनके खिलाफ FIR हुई है, ये एक पत्रकार है मोहम्मद जुबैर, जो ऑल्ट न्यूज नाम की के पोर्टल के संपादक हैं, इनका नाम पर FIR है। एक और पत्रकार है राणा यूब, इनके नाम पर FIR की है गाजियाबाद पुलिस ने। ऑनलाइन न्यूज पोर्टल एक है द वायर, इसका नाम भी FIR में है। कांग्रेस नेता सलमान निजामी एक शख्स है, इनका नाम भी FIR में है। कांग्रेस के एक और नेता हैं मशकूर उस्मानी, जिन्होंने चुनाव लड़ा था बिहार में, वो भी FIR में उनका नाम है। कांग्रेस के एक और नेता हैं डॉक्टर शमा मोहम्मद, इनको आपने डिबेट्स में देखा होगा टीवी पे, इनका नाम भी है। लेखक सबा नकवी जो कि पत्रकार भी हैं, उनका नाम भी FIR में है। आठवां नाम FIR में है ट्विटर इनकॉरपोरेशन का, और नौवां नाम है ट्विटर कम्युनिकेशंस इंडिया का। हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि ऐसी कोई खबर जिससे नफरत फैलाने का जरा सा भी अंदेशा हो उसे सोशल मीडिया या किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म में पोस्ट करने या शेयर करने से पहले सावधानी बेहद ज़रूरी है। इन तमाम लोगों की जो आपने तस्वीरें देखी, इन्होंने समझदारी नहीं दिखाई थी, इन्होंने ट्वीट कर दिया था और अब इनके खिलाफ FIR हो गई है। अब आप देखिए कि इन जिम्मेदार लोगों ने ट्विटर पर FIR के पहले क्या लिखा, और कल शाम को जब FIR हो गई तो अब वो ट्विटर पर इस पूरी घटना के बारे में कैसे अपना बयान बदल के लिख रहे हैं। बारी बारी से 2-3 एग्जाम्पल आपको दिखाता हूं। पहली बात ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर की लिखते हैं। इन्होंने पहले लिखा ये अब्दुल समद सैफी का वीडियो है, जिनका दावा है कि गुंडों ने उनसे जय श्री राम कहलवाने के लिए जबरदस्ती की। अब केस दर्ज होने पर अब वो लिखते हैं कि मैंने ट्विटर पर अपनी पोस्ट डिलीट कर दी है, पुलिस और स्थानीय पत्रकारों से बात करने के बाद ये सामने आया है कि जय श्री राम बोलने के लिए जबरदस्ती करने की बात सही नहीं है। तो मोहम्मद जुबैर ने अपनी गलती को माना है, पुराना ट्वीट डिलीट किया है, नया ट्वीट कर दिया है। इसी तरीके से राणा यूब एक और बड़ी जानी मानी पत्रकार है, विदेशी चैनलों में खूब आती है। उन्होंने पहले लिखा मैंने ऐसे वीडियो देखे हैं जो मुझे परेशान करते हैं, लेकिन इस वीडियो को देखकर मुझे सांस नहीं आ रही है। एक मुस्लिम बुजुर्ग को भीड़ ने पीटा, जय श्री राम बोलने के लिए प्रताड़ित किया गया, क्या मैं अपना गुस्सा जाहिर कर सकती हूँ, क्या मैं अपने भाइयों के लिए चिंता जता सकती हूँ। जिस देश को हम अपना कहते हैं उसमें हम खुद को अपमानित महसूस कर रहे हैं, ये राणा यूब ने FIR के पहले लिखा। कल शाम FIR हो गई, अब राणा यूब सफाई दे रही है। अब्दुल समद पर हमले पर मैंने जो ट्वीट किए थे वो मीडिया की खबरों के आधार पर था, अब पुलिस दूसरी थ्योरी बता रही है। मेरी कोशिश हमेशा उन खबरों को शेयर करने की होती है जो सच को सामने लाती है और इसके जरिए समाज में शांति और सद्भाव को बढ़ावा देती है। मैं उम्मीद करती हूं कि पीड़ित को न्याय मिलेगा। तीसरा एग्जाम्पल, इनका नाम भी FIR में, वरिष्ठ पत्रकार सबा नकवी, लेखक है। यूपी सरकार को तब निशाने पर लिया था और पहले पोस्ट में लिखा था FIR के पहले कि चुनावी राज्य में हिंदू राष्ट्र
बुजुर्ग मुस्लिम पर गाजियाबाद के लोनी में हमला हुआ। जय श्री राम बोलने के लिए जबरदस्ती की गई। और आज की कार्रवाई के बाद सबा नकवी ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि गाजियाबाद पुलिस की जांच में इस मामले का दूसरा पहलू सामने आया है। ट्विटर पर मेरा कमेंट अखबार की रिपोर्ट के आधार पर था, मैं आगे टिप्पणी करने के लिए जांच पूरी होने का इंतजार करूंगी। हम भी यहां ये कहना चाहेंगे इन तीनों, इनफैक्ट इन सातों लोगों के साथ, कि आपको पहले फैक्ट चेक करने चाहिए और फिर कुछ ट्वीट या सोशल मीडिया पर कमेंट करना चाहिए, खासकर वायरल वीडियोस पर, और खासकर उस तरह के वायरल वीडियोस पर जिस पे सेंसिटिव संवेदनशील तस्वीरें या विजुअल्स होते हैं। उससे समाज में पूरा जो माहौल है शांति वो बिगड़ती है, इसीलिए पत्रकारों का दायित्व बढ़ चढ़कर हो जाता है। अधूरा सच और शब्दों की तेजधार तलवार से भी खतरनाक होते हैं, लेकिन जिस तरीके से जांच में तथ्य सामने आ रहे हैं उससे ये सवाल तो उठने ही लगा है कि क्या ये किसी साजिश के तहत हुआ, क्योंकि इधर वीडियो वायरल हुआ उधर सियासी तीर चलने लगे। और ये उसी वक्त रुकेगा जब बीजेपी और आरएसएस इसको रोकना चाहेगी, तब तक इस तरह के वाकयात मुसलमानों पर चलते रहेंगे। एक अनफॉर्चुनेट क्रिमिनल एक्ट होता है, उस क्रिमिनल एक्ट पर तड़का लगाने की कोशिश होती है। सभी जानते हैं कि जाति धर्म की राजनीति कौन करता है, कौन है जो जाति धर्म की राजनीति को बढ़ावा देता है, किसी से नहीं छुपा है। क्या सोशल मीडिया के जरिए नफरत फैलाने की साजिश रची गई? क्या मारपीट के एक वीडियो का सियासी इस्तेमाल किया गया? क्या घटना से जुड़े हैं समाजवादी पार्टी के तार? क्या गाजियाबाद कांड का है यूपी चुनाव से कनेक्शन? ये बात इसलिए उठ रही है क्योंकि एबीपी न्यूज ने जब पीड़ित के बेटे बबलू सैफी से बात की तो उसने बताया कि मारपीट के बाद रिपोर्ट दर्ज करवाने में उनकी मदद जिस शख्स ने की उसका रिश्ता समाजवादी पार्टी से है। वो तो एक सामाजिक सेवक आदमी है, हमारे लिए फरिश्ता बन के आया, हमारी दिल्ली में रिश्तेदारी वगैरह हैं, वो आदमी हमारे साथ आन के खड़ा हुआ, हमारी FIR करवा रहा था, वो हम उसे क्या जानते हैं, वो तो एक सामाजिक सेवक है। एक बुजुर्ग के साथ अत्याचार हुआ, उसके उसमें खड़ा हुआ वो हमारे साथ, हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं। कई जाने माने लोगों ने इसे ट्वीट किया, पत्रकार राणा अयूब, सबा नकवी, कांग्रेस नेता सलमान निजामी, डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म द वायर समेत कई लोगों ने ट्विटर पर इसे शेयर किया और इस घटना को लेकर यूपी सरकार और बीजेपी को घेरा। अब गाजियाबाद पुलिस ने इसे लेकर केस दर्ज कर लिया है। सोशल मीडिया पे खबर चलाया जाना किसी गलत उद्देश्य की तरफ इंडिकेट करता है, ऐसे क्यों ये करनी पड़ी कार्रवाई लोगों को सोशल मीडिया पर, इसको संज्ञान में लिया गया है। कम्युनल हार्मनी पीस ट्रैंक्विलिटी डिस्टर्ब करने का जो प्रयास किया गया है उस पर जो रेलेवेंट सेक्शन है उसमें हमने 7 लोगों के खिलाफ ट्विटर इंडिया के खिलाफ कल FIR लिखी है। हमारी टीम अभी भी मॉनिटर कर रही है, जो लोग जानबूझ करके गाजियाबाद में कम्युनल हार्मनी पीस को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। वायरल हुए इस वीडियो से सियासत में घमासान मचनी ही थी, सो आरोपों के तीर चलने शुरू हो गए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि श्रीराम के सच्चे भक्त ऐसा कर सकते हैं। राहुल ने राम भक्तों के बहाने बीजेपी और यूपी सरकार को निशाने पर लिया तो जवाब यूपी के CM योगी ने तल्ख अंदाज में दिया। प्रभु श्रीराम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में किया नहीं। शर्म आनी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं, सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। यूपी में चुनाव बहुत दूर नहीं है, यूपी के चुनावी इतिहास में नफरत की खेती कर वोटों के फूल खिलाए जाते रहे हैं। अगर पुलिस की थ्योरी सही है तो फिर इस मामले की तह तक जाना जरूरी है, क्योंकि राजनीति के लिए नफरत फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बीते 24 घंटे में 2 घटनाएं हुई हैं, अयोध्या में जो जिस तरीके से जमीन का मामला हुआ या फिर गाजियाबाद की ये घटना, दोनों ही घटनाओं में समाजवादी पार्टी का एक लिंक निकलकर सामने आया है। ये चुनावी तैयारी नहीं है तो क्या हो रहा है? और एक बात और, जो वीडियो पहली बार सामने आया था मोहम्मद समद की पिटाई का, उस वीडियो में
ऑडियो नहीं था। जो वीडियो बाद में पोस्ट किया गया ऑल्ट न्यूज के ट्विटर हैंडल पर मोहम्मद जुबैर के बारे में, जिसके बारे में मैं अभी जिक्र कर रहा था, उसमें एक फेसबुक लिंक लगाया गया। उस फेसबुक में मोहम्मद समद से ये जो इंतजार उर्फ इदरीस साहब हैं, उमेद पहलवान, ये बात कर रहे थे। और उस बातचीत में ये कहा गया कि बुजुर्ग से ये बुलवाया गया कि आप जय श्री राम बोलिए। ओरिजिनल वीडियो में जय श्री राम की आवाज नहीं सुनाई अभी तक दी है। ये फॉरेंसिक जांच का विषय है, तभी साफ हो पाएगा कि क्या उस वीडियो में जानबूझकर आवाज हटाई गई ताकि ऊपर से आवाजें जोड़ी जा सके। और ये सब काम ट्विटर को भी करना चाहिए था। ट्विटर यानी नीली चिड़िया, यानी वो प्लेटफॉर्म जो आज खबरों में है, इसके लिए अब पिंजरा तैयार हो गया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के खिलाफ पहला केस भारत में दर्ज हुआ है। आगे बढ़े, इस पूरे मामले को बताएं, पहले ट्विटर को जरा जान लीजिए। 22 मार्च 2006 को पहला ट्वीट हुआ था। ट्विटर का मुख्यालय अमेरिका में कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को में है। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। आज इस ट्विटर के भारत में 1,75,00,000 यूजर हैं। समूची दुनिया में ट्विटर को यूज करने वाले लोगों की संख्या 35,30,00,000 है। दुनिया भर में ट्विटर के 5,500 कर्मचारी अब काम कर रहे हैं। पिछले साल इसकी कमाई 27,140 करोड़ रुपए की थी। इतनी बड़ी संपत्ति। ट्विटर आज बड़े बड़े लोगों के लिए खुद को अभिव्यक्त करने का एक बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, बहुत बढ़िया जरिया है और बहुत बड़ा भी हो चुका है। ट्विटर पर हिंदुस्तान के बड़े बड़े नेताओं के फॉलोअर्स की संख्या देखेंगे तब आपको समझ में आएगा इसकी लोकप्रियता के बारे में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 6,89,00,000 फॉलोअर्स हैं, जो इस देश में सबसे ज्यादा हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के 2,26,00,000 फॉलोअर्स हैं ट्विटर पर। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के 1,90,00,000 फॉलोअर्स हैं। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के फॉलोअर्स की संख्या 1,41,00,000 है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के 66,79,000 फॉलोअर्स हैं। सवाल अब पूछा जा रहा है कि क्या ट्विटर ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह भारत में आकर बर्ताव कर रहा है या जानबूझकर ट्विटर पर शिकंजा कसा जा रहा है। इस पूरे मामले में ट्विटर के नाम पर जब FIR हुई तो गाजियाबाद पुलिस ने कहा कि ट्विटर से कहा गया कि संवेदनशील वीडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है, इस वीडियो को हटा लीजिए। ट्विटर ने वीडियो नहीं हटाया। उसके बाद ट्विटर पर FIR हो गई। अभी का सच यह है कि ट्विटर पर फेक न्यूज फैलाने का यह केस दर्ज हो गया है। भारत का यह पहला केस है, लेकिन अहम सवाल यह कि क्या जरूरत पड़ने पर ट्विटर को बैन किया जा सकता है। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बर्ताव कर रहा है ट्विटर या विरोध की आवाज को दबाया जा रहा है? गाजियाबाद कांड पर देश में इसी मुद्दे पर बहस तेज हो गई है। ट्विटर के खिलाफ भारत में पहला केस दर्ज हुआ है। धोनी में दाढ़ी कांड में गलत खबर फैलाने के आरोप में जो 9 नाम है उसमें ट्विटर इनकॉर्पोरेशन, ट्विटर कम्युनिकेशंस इंडिया दोनों का नाम है। पुलिस की FIR में दर्ज है कि आपराधिक साजिश के तहत ट्विटर पर प्रचार किया गया। ट्विटर की वजह से झूठी खबर फैल गई, लेकिन ट्विटर ने गलत तथ्य की जानकारी के बाद भी कदम नहीं उठाए। ट्विटर कॉर्पोरेशन तथा ट्विटर कम्युनिकेशन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा भी उक्त धार्मिक संवेदनशील झूठे ट्वीट्स को हटाने के लिए भी कोई कार्रवाई नहीं की गई, जो उनका कर्तव्य एवं जिम्मेदारी थी। अतः जनपद गाजियाबाद के थाना लोनी में इन सभी के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 502/21 सुसंगत धाराओं में दर्ज किया गया है। हाल ही में सरकार और ट्विटर के बीच चल रही तनातनी के बाद ये पहला मामला है जो नेटवर्किंग साइट पर किसी खबर को लेकर हुआ है। ट्विटर पर यह कानूनी कार्रवाई इसलिए हुई क्योंकि नए IT नियमों के मुताबिक ट्विटर को मिल रही छूट खत्म हो गई है। सरकार ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए जो नियम बनाए थे उसका ट्विटर ने पालन नहीं किया। अब ट्विटर का मध्यस्थ का दर्जा खत्म हो गया, जिसके बाद भारत का कानून उस पर लागू होगा। अब ट्विटर का इस्तेमाल करने वाला कोई भी कानून का उल्लंघन करेगा तो कार्रवाई ट्विटर पर भी होगी। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर की इम्यूनिटी खत्म करने को लेकर सरकार की तरफ से कोई आदेश जारी नहीं किया गया है। दरअसल जब तक ट्विटर सरकार के नियमों का पालन कर रहा था तब तक उसे ये इम्यूनिटी हासिल थी और साथ ही साथ मध्यस्थ का दर्जा भी हासिल था,
लेकिन नए नियमों का पालन नहीं करने की वजह से और अधिकारियों की नियुक्ति नहीं करने की वजह से सरकार की ओर से दिया गया ये इम्यूनिटी का दर्जा, मध्यस्थ का दर्जा अपने आप खत्म हो गया। सरकार ने भी साफ कर दिया कि कानून न मानने की सूरत के परिणाम गंभीर होंगे। आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट करके बता दिया कि सरकार की मंशा क्या है। ट्विटर ने सरकार के सोशल मीडिया नियमों के तहत अपने मुख्य अनुपालन अधिकारी, नोडल संपर्क व्यक्ति और शिकायत अधिकारी का विवरण अभी तक सरकार को नहीं दिया है। केस दर्ज होने के बाद ट्विटर की तरफ से बयान आया है, जिसमें ट्विटर ने कहा है, हम प्रक्रिया के हर चरण में हो रही प्रगति पर नजर रखे हुए हैं। एक अंतरिम मुख्य अनुपालन अधिकारी को रखा गया है, जिसका विवरण जल्द ही मंत्रालय के साथ साझा कर दिया जाएगा। ट्विटर नए दिशा निर्देशों का पालन करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। वहीं सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि विदेशी कंपनियों को भारत के नियम मानने ही होंगे। वहीं अमेरिका के कैपिटल हिल पर जब कुछ लोग चढ़ गए तो आपने सबों का अकाउंट बंद कर दिया, तो ये दोहरे मानदंड क्यों है? ये विदेशी मुनाफा कमाने वाली कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए पूरे आजाद हैं, लेकिन कृपया करके हमें लोकतंत्र की नसीहत न दें। भारत का संविधान और भारत का कानून मानना पड़ेगा। 2014 में मोदी लहर बनने में ट्विटर और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का बड़ा हाथ था, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फायदा देते हैं तो कई बार मुश्किल भी पैदा कर देते हैं। दिल्ली से संवाददाता विकास भदौरिया की रिपोर्ट। ट्विटर एक बड़ा प्लेटफॉर्म है और जिम्मेदारी ट्विटर की बनती है कि अगर उसके किसी पोस्ट की वजह से समाज में सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, उसको वो पोस्ट को हटाए, डिलीट करे या रिमूव करे। वो एक पक्ष का बनकर नहीं रह सकता। ऐसे ही मामला गाजियाबाद का भी है। इस पिटाई कांड में पीड़ित का अपना पक्ष है। वो ये कह रहा है कि उससे जबरन श्रीराम, जय श्रीराम बुलवाया गया, वंदे मातरम बुलवाया गया, उसकी दाढ़ी काटी गई, लेकिन पुलिस का एक अपना पक्ष है। पुलिस ने कहा कि ये सांप्रदायिक नहीं, यह आपराधिक घटना है। 4-5 लड़कों ने गुस्से में आकर उसके साथ मारपीट की है, क्योंकि उस बुजुर्ग ने उनके खिलाफ वादा खिलाफी की थी, उनको धोखा दिया था, उनको चोट पहुंचाई थी। राजनीति करने वालों का इस पूरे खेल में अपना एक पक्ष है, जो इस पूरे मामले को लेकर अब सियासत कर रहे हैं, ताकि यूपी में आने वाले चुनावों में अपने अपने पक्ष में माहौल बनाया जा सके। लेकिन सच्चाई क्या है? एबीपी न्यूज चाहता है कि संबंधित वीडियो की फॉरेंसिक जांच हो, ताकि सच सामने आए और पता चले कि क्या वाकई में मारपीट करने वाले लड़कों ने बुजुर्ग से जबरन वो सब बुलवाया जिसका जिक्र फेसबुक के पोस्ट में इंतजार उर्फ इद्रिस कर रहा था। ये सब जांच का विषय, और जब तक जांच नहीं होती तब तक बड़े बड़े पत्रकारों को, बड़े बड़े सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो किस तरह की खबर को आगे बढ़ा रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उससे समाज में वैमनस्यता फैलती है। हम अपना फर्ज अगर ठीक से निभाना है तो जाहिर तौर पर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम ऐसा कोई काम नहीं करें जिसकी वजह से सौहार्द बिगड़े। मोदी सरकार में मंत्री रहे रामविलास पासवान के निधन के 8 महीने भी नहीं गुजरे हैं कि पार्टी पर भाई पशुपतिनाथ पारस ने कब्जा कर लिया है और बेटा चिराग पासवान का राजनीतिक चिराग बुझने सा लगा है। आज चिराग ने चाचा पर धोखा देने का आरोप लगाया तो चाचा पशुपति पारस ने भतीजे पर तानाशाह होने का आरोप जड़ दिया। पासवान की पार्टी में चाचा वर्सेस भतीजा का जंग क्या है, जरा समझिए। सारा झगड़ा संसदीय दल के नेता पद के लिए हुआ है, जो 2 साल पहले चिराग को मिल गया था, और यह बात पशुपति पारस को उस वक्त भी रास नहीं आई थी। वैसे ही जब पार्टी की बागडोर भी रामविलास पासवान ने बेटे को दे दी थी तो पशुपति पारस को यह भी अच्छा नहीं लगा था कि भतीजे को इंपॉर्टेंस मिल रही है। फिर रामविलास पासवान के देहांत के बाद, चाहे बिहार विधानसभा के चुनाव हो या दूसरे मामले, चिराग के एक तरफा फैसले से भी पशुपति पारस को दिक्कत हो रही थी। और चाचा इस बात को भी नहीं भूले थे कि उनको बिहार प्रदेश LJP के अध्यक्ष पद से हटा दिया था, और वही इल्जाम चिराग पर लगाते हैं। अब मौका मिला तो चाचा ने चौका लगा दिया, बीमार भतीजे को अपनी ही पार्टी में आइसोलेशन में डाल दिया और पार्टी अपनी मुट्ठी में कर ली। मैं अनाज शायद उसने नहीं हुआ था जब पापा का निधन हुआ, शायद अब हुआ जब इन्होंने भी मेरा साथ छोड़ा। चिराग पासवान जिंदाबाद, 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 जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद। चिराग
राजनीति में संभावनाओं का एक दरवाजा भावुकता के आंगन में खुलता है। पार्टी में तख्ता पलट के 3 दिन बाद मीडिया से जब चिराग रूबरू हुए तो पार्टी टूटने और अपनी सियासी पूंजी गंवाने की कसर चिराग की जुबान पर साफ साफ दिख रही थी, जबकि चाचा बहुत आगे बढ़ चुके हैं। इस तरीके से कहा जा रहा है कि नहीं, उनको हमने राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद से हम लोगों ने उनको हटा दिया, या फिर पार्लियामेंट में संसदीय दल का नेता बनना। भाई अगर आप मुझे कहते तो मैं खुशी खुशी में आपको बनाता संसदीय दल का नेता, मुझे कोई उसमें दिक्कत नहीं थी। मैं तो चाहता हूं कि भैया आप आएं और पार्टी की भूमिका बढ़ चढ़ कर निभाएं। पासवान जी अब नहीं रहे, हमारे बड़े भाई साहब नहीं रहे, उसके बाद से पार्टी में तानाशाह हो गया। ये सब लोग जानते हैं कि एक बाहर का लड़का आया, मैं उस लड़के का नाम नहीं बताऊंगा, वो बाहर का लड़का आया और डिक्टेटरशिप पार्टी में और परिवार में करने लगा। लेकिन राजनीति भावनाओं से ज्यादा संभावना से चलती है, इसलिए चिराग ने भी आज लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखी। उसमें पशुपति पारस को संसदीय दल के नेता पद से हटाकर खुद को संसदीय दल का नेता बनाने का प्रस्ताव दिया। चिराग बता रहे हैं कि अध्यक्ष पद पर किसी और का दावा क्यों नहीं हो सकता। पार्टी में पार्टी का लीडर ऑफ द हाउस पार्लियामेंट में या विधानसभा में या विधान परिषद में कौन होगा, इस बात का निर्णय सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री बोर्ड ले सकता है। एंड इन एब्सेंस ऑफ पार्लियामेंट्री बोर्ड ये पूरी की पूरी पावर रिसाइड्स इन द हैंड ऑफ द नेशनल प्रेसिडेंट, राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास ये पूरी पावर है। उधर पटना एयरपोर्ट पर पहुंचने पर चिराग के बागी चाचा पशुपति पारस पर समर्थकों ने जिस तरह पुष्प वर्षा की उससे वो बेहद खुश नजर आए, और इतना साफ है कि अब उनके कदम भतीजे की गुहार नहीं सुनेंगे बल्कि किसी बड़ी मंजिल की तलाश में निकल चुके हैं। चाचा भतीजे आपस में भिड़े और दोनों गुट के कार्यकर्ता अपने अपने नेताओं को लेकर सड़कों पर उतर गए। दिल्ली में पशुपति पारस के घर के पास चिराग गुट के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया, पोस्टर पर कालिक पोती, तो पटना में एलजेपी दफ्तर के बाहर पशुपति को बधाई देने के लिए कार्यकर्ताओं ने बैंड बाजे का इंतजाम किया, पशुपति पारस को बधाई देने वाले पोस्टर लगाए। देखा जाए तो पटना वाले दफ्तर पर पशुपति पारस का ही प्रभाव दिख रहा है, वैसे भी वो घर पशुपति पारस के ही नाम पर आवंटित है। जेडीयू पर चिराग ज्वालामुखी की तरह दहक उठते हैं, लेकिन बीजेपी को लेकर अब भी पहले की तरह ही नरम है। पार्टी में तोड़फोड़ के लिए वो नीतीश सरकार को जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी में अपनी आस्था को राम में हनुमान वाली आस्था बताते हैं। हनुमान को अगर मदद मांगनी पड़े राम से तो फिर हनुमान काहे के और राम काहे के। चिराग पासवान ने ये लड़ाई अब कानूनी तरीके से आगे बढ़ाने की बात तो कही ही, उसके साथ ही इमोशनल कार्ड भी खेला। चिराग पासवान ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राम और हनुमान का भी जिक्र किया, तो यहां तक कह दिया कि पिता की मौत के बाद अनाथ नहीं हुआ। चिराग का कहना है कि पिछले कुछ समय से वो बीमार थे और इसी बीमारी के दौरान चाचा ने उनको धोखा दे दिया। चाहे पशुपति पारस के घर सोमवार को जाने वाली तस्वीर हो या आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, चिराग के हाथ में बैंडेज और वीगो लगे हुए हैं। राजनीति में कई बार भाव से ज्यादा भंगिमाओं की अहमियत होती है। पटना में निधि श्री के साथ दिल्ली संकेत गुप्ता और प्रशांत की रिपोर्ट। राजनीति में एक फैसला अगर आपको फर्श से अर्श पर ला सकता है तो एक फैसला आसमान की बुलंदियों से पथरीली जमीन पर पटक सकता है। चिराग पासवान इसके सबसे सटीक उदाहरण है। कैसे? जिस चिराग के हाथों में पार्टी से लेकर सांसदों तक की बागडोर थी, उनकी पैरों तले जमीन कैसे खिसक गई इसको जरा समझिए। नीतीश का घनघोर विरोध करने में अपनी पार्टी के सांसदों और नेताओं की चिराग ने नहीं सुनी। दूसरी तरफ बीजेपी पर उन्होंने अपनी पार्टी के नेताओं से ज्यादा भरोसा कर लिया। आज भी खुद को प्रधानमंत्री मोदी का हनुमान बताया था चिराग ने, लेकिन बीजेपी के लिए इस वक्त नीतीश ज्यादा अहम है क्योंकि सरकार नीतीश कुमार बिहार में चला रहे हैं। फैसला लेने में पार्टी से राय मशविरा ना करना भी चिराग को महंगा पड़ा। अपने करीबी दोस्तों के साथ राय मशवरा करते थे, यानी वो अति आत्मविश्वास का शिकार हो गए। उनको लगा कि वही पार्टी है। जबकि होली के दिन अपने चाचा पशुपति पारस को चिट्ठी लिखी तो उनको पता था कि पार्टी में असंतोष बहुत ज़्यादा है, फिर भी 2.5 महीने में बगावत हो गई और वो संभाल नहीं पाए या कोशिश की और असफल हो गए। चिराग पासवान एक एनजीओ चलाते हैं जिसका नाम है चिराग का रोजगार। अब
उनकी राजनीतिक गलतियों ने देखा जाए तो उनको ही राजनीतिक रूप से बेरोजगार बना दिया है। सत्ताईस साल की उम्र में हीरो श्री चिराग कुमार पासवान जी, 30 साल की उम्र में सांसद मैं चिराग कुमार पासवान, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं। 35 साल की उम्र में LJP संसदीय दल के नेता और 35 साल की उम्र में ही LJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष। इतना शानदार करियर ग्राफ रहा रामविलास पासवान के तख्त चिराग चिराग पासवान का, लेकिन 12 जून तक 13 जून से पिता की विरासत के बोझ तले बेटे का सियासी चिराग बुझने लगा। जिन 5 सांसदों का नेता चिराग को चुना गया था, उन सांसदों की बगावत ने चिराग को राजनीति में पैदल कर दिया। सचिवालय है, वहाँ से आदेश जारी हुआ, नोटिफिकेशन हुआ कि जो 6 सांसद हम लोग लोक जनशक्ति पार्टी के हैं, उसके जो सदन के नेता होंगे, पहले श्री चिराग पासवान जी थे, अब उन पर आरोप लगाया गया तो उनको हटा करके मुझको बनाया गया। पिता रामविलास पासवान से चिराग को विरासत में सब कुछ बहुत जल्दी मिल गया, लेकिन उस विरासत को संभालने की राजनीतिक सूझबूझ दिखी नहीं। पिछले साल बिहार विधानसभा चुनाव में पहले चरण की वोटिंग से 3 हफ्ते पहले रामविलास पासवान की मौत हो गई। अध्यक्ष भले चिराग 2019 में ही बन गए थे, लेकिन पार्टी पर आखिरी हुक्म पासवान का ही चलता था। लेकिन पिता की मौत होते ही चिराग ने अजीबोगरीब फैसला किया और उस एक फैसले ने उनकी सियासी नैया को डुबो दिया। वो फैसला था कि चिराग बिहार में NDA में रहेंगे भी और नहीं भी रहेंगे। वो फैसला था कि चिराग बिहार में BJP के लिए लड़ेंगे, लेकिन BJP के सहयोगी JDU के खिलाफ लड़ेंगे। जितना भ्रष्टाचार हुआ है, जो घोटाला हुआ है, भले वो किसी अधिकारी ने किया हो या मुख्यमंत्री ने स्वयं किया हो, लोजपा की सरकार बनते ही जांच करवाई जाएगी और सबको जेल भेजा। मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है, मैं उनका हनुमान हूँ, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। किसी दिन होगा तो छाती चीर के भी दिखा दूंगा कि मेरे दिल में मेरे प्रधानमंत्री बसते हैं। लेकिन चिराग का ये फैसला उनके लिए घातक साबित हुआ। चिराग को लगा था कि पिता रामविलास पासवान के नाम पर सहानुभूति वोट मिल जाएगा, लेकिन पार्टी बस एक सीट पर सिमट गई। चिराग का मंसूबा था कि इतनी सीट ले आते कि BJP के साथ मिलकर सरकार बना लेते और JDU बाहर हो जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ये भी कहा जाता है कि चिराग अपने पिता की खाली राज्यसभा सीट अपनी माँ के लिए चाहते थे, लेकिन JDU तैयार नहीं हुआ और ये प्लान भी अधूरा ही रहा। रामविलास पासवान की जगह मंत्री बनने का भी ख्वाब था, लेकिन अब इसकी भी गुंजाइश खत्म हो गई है। नीतीश विरोध से चिराग BJP के बेहद करीबी और भरोसेमंद सहयोगी बनना चाहते थे, लेकिन बिहार NDA की बैठक में इनको बुलाया तक नहीं गया क्योंकि नीतीश की पार्टी ने वीटो लगा दिया था। चुनाव में अकेले लड़ना और नीतीश के खिलाफ लड़ना, दोनों ही फैसले चिराग के थे, लेकिन न पार्टी राजी थी, न चिराग के चाचा पशुपतिनाथ पारस। तो हमारी जो सोच है, हमारा जो ये है, उसके मुताबिक मैं बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को मैं अच्छा लीडर मानता हूँ, विकास पुरुष में। दरअसल चुनाव के दौरान भी ऐसी कुछ घटनाएं घटी जिसने चिराग को एक फ्लॉप एक्टर ही साबित किया। पिता की तस्वीर के आगे खड़े होकर वो भावुक अपील करते कि उससे पहले वो वीडियो वायरल हो गया जिसमें चिराग बालों का टेक्सचर देख रहे थे। अरे भाई, टेक्सचर अलग होते हैं हर किसी के बाल का, हर किसी के बाल का टेक्सचर, तेरा खड़ा हुआ है कभी बाल? ये भाई अब आप करोगे ना कट एडिट, आप करोगे आगे पीछे आप करोगे, है ना? आप बोलते जाइए यार। चिराग बालों का हाल समझ गए, लेकिन बाल की खाल सूंघनी पड़ती है कि कहीं बगावत की बू तो नहीं आ रही। लेकिन चिराग अपनी पार्टी के ब्लैक बोर्ड पर लिखी उस इबारत को नहीं पढ़ पाए, न फरवरी में जब इकलौते विधायक को नीतीश अपने पाले में ले गए और साथ ही पासवान के करीबी कई नेताओं को, और न ही तब भाग पाए जब इतवार के दिन ही चाचा ने पार्टी से भतीजे की छुट्टी कर दी। राजनीति में भाई भतीजावाद को अब लगता है कि मान्यता मिल चुकी है, लेकिन महाराष्ट्र में पवार परिवार हो या UP में मुलायम सिंह यादव का परिवार, हर जगह चाचा भतीजा की जंग देखी गई है।
आज सत्ता के लिए जहरीला घमासान पासवान परिवार में भी बचा है। रामविलास पासवान ने भी परिवारवाद की इंतहा करके रख दी थी, अब परिवार में महाभारत चल रही है। मैं रामविलास पासवान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। रामविलास पासवान की सियासी उड़ान को देखकर आप कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री भले बदलते हों, लेकिन एक मंत्री ऐसा था जिसकी सीट हर कैबिनेट में पक्की होती थी। HD देवगौड़ा, IK गुजराल, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, 6-6 प्रधानमंत्रियों के साथ काम करने वाले पासवान आखिरी वक्त में भले ही 6 सांसदों वाली पार्टी के नेता थे, लेकिन कम वोट और सीट के बावजूद सत्ता की राजनीति के माहिर खिलाड़ी थे। ऐसे ही लालू प्रसाद यादव उनको मौसम वैज्ञानिक नहीं कहते थे। दुनिया बनाएंगे। ये मौसम वैज्ञानिक पूसा वाला नहीं, ईश्वर वाला। पासवान की राजनीति समाजवाद के नारे से शुरू हुई, लेकिन सत्ता का चस्का लगा तो परिवारवाद का भूत सिर पर नाचने लगा। अब आप पासवान के खानदानी राजनीति को समझिए। खगड़िया जिले के जामुन राम और सिया देवी के सबसे बड़े बेटे थे रामविलास पासवान। मंझले बेटे पशुपति नाथ पारस और छोटे बेटे रामचंद्र पासवान थे। बड़े बेटे रामविलास पासवान 6 सरकारों में मंत्री रहे, जिनकी 2 शादियां हुई थी। पहली शादी 1960 में राजकुमारी से हुई थी, जिनसे पासवान को 2 बेटियां हुई, आशा और उषा पासवान। आशा पासवान भी राजनीति में हैं और RJD से जुड़ी है। पासवान ने दूसरी शादी 1983 में एयर होस्टेस रीना शर्मा से की। रीना शर्मा से पासवान को 1 बेटा चिराग और बेटी निशा पासवान है। चिराग सांसद है। वही पासवान के मंझले भाई पशुपति नाथ पारस इस वक्त सांसद हैं, जिन्होंने पासवान के बेटे चिराग का तख्ता पलट कर दिया। जबकि छोटे भाई रामचंद्र पासवान भी सांसद रहे। रामचंद्र पासवान के देहांत के बाद उनके बेटे प्रिंस राज इस वक्त सांसद है। इस पूरी पारिवारिक राजनीति की धुरी रामविलास पासवान रहे, लेकिन आज चिराग के खिलाफ उनके चाचा और चचेरे भाई ने ही बगावत कर दी। जिस पासवान के बारे में कहा जाता था कि ऊपर आसमान और नीचे पासवान, उस पासवान के पास परिवार की ही पूंजी बची थी और राजनीति की नब्ज पकड़ने की ताकत। राजनेताओं में सत्ता का वायरस लग जाता है, लेकिन आजकल कोरोना का वायरस बहुत ज्यादा खतरनाक है और उससे बचाव के लिए जरूरी है कि आप खुद का बचाव करें। बस मास्क जरूर पहन कर रखिए। ABP न्यूज ने आपके लिए #MaskUpIndia मुहिम चलाई हुई है। आप खुद मास्क पहनिए और दूसरों को भी मास्क पहनकर प्रेरित कीजिए। इन तस्वीरों को देखिए। आज के हीरोज आप तमाम लोग हैं जो इस हमारी मुहिम में शिरकत कर रहे हैं। हम देशवासियों से अपील करते हैं कि आप भी मास्क जरूर पहनकर रखें और इस तरीके से अपनी मास्क पहनी सेल्फी अगर आप हमें भेजेंगे तो हम यहाँ पर इंडिया चाहता है में आपकी तस्वीर दिखाकर बाकी हिंदुस्तान को प्रेरित करेंगे कि आपके जैसे हम सबको बनना है, क्योंकि तभी हम कोरोना को मात दे सकते हैं। ABP News आपको रखे आगे।